तो गाइज आप लोगों को आज लग रहा होगा कि मैं टॉपिक से थोड़ा डेविएट हो रहा हूँ, टॉपिक से थोड़ा भटक रहा हूँ और मैं आप लोगों को क्यों ओरियो के बारे में बता रहा हूँ। आप लोगों को तो ऑलरेडी पता है कि ओरियो बहुत ही अनहेल्दी बिस्किट है और आपको वो नहीं खाना चाहिए, तो मैं ओरियो के ऊपर क्यों वीडियो बना रहा हूँ। देखिए इसके दो कारण हैं। सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है कि आप लोगों को एक्चुअल में नहीं पता कि ओरियो कितना ज़्यादा अनहेल्दी है, और ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है कि ओरियो के अंदर की जो क्रीम होती है जिसे लोग चाट चाट के खाते हैं वो किससे बनी हुई है। और दूसरा रीज़न ये है कि लास्ट टाइम जब मैं ग्रोसरी शॉप पे गया तो मैंने देखा कि कैसे मदर्स लोग यू नो अपने बच्चों के लिए ओरियो जो बिस्किट है वो लेते हैं। देखिए मैं सारी मदर से कहना चाहता हूँ कि मैं इसके खिलाफ़ नहीं हूँ कि आप अपने बच्चे को बिस्किट दे रही हैं, मैं उसके खिलाफ़ नहीं हूँ, पर आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए कि आपका बच्चा अगर ओरियो खा रहा है तो उसकी क्रीम में क्या क्या मिलाया गया है। तो ये कारण है आप लोगों को ओरियो के बारे में बताने का। अभी अगर आप ओरियो का इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि ओरियो ने कहीं भी ये डिफ्रेंशिएट नहीं किया है कि उनके बिस्किट में क्या क्या डाला गया है और उनके क्रीम में क्या क्या डाला गया है। इसलिए कभी आप फाइंड आउट ही नहीं कर सकते कि क्रीम का सेपरेट इंग्रेडिएंट क्या है और बिस्किट का सेपरेट इंग्रेडिएंट क्या है। तो जो क्रीम का इंग्रेडिएंट है वो आप लोगों को मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे तो आप लोग पाएंगे कि ओरियो क्रीम में भर भर के शुगर और वेजिटेबल फैट है, बैड वेजिटेबल फैट, बुरे ऑयल, जिससे आप लोगों में चर्बी बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स आते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब इन इंग्रेडिएंट्स को पढ़ने के बाद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार क्रीम के इंग्रेडिएंट्स में कहीं भी मिल्क तो मेंशन है ही नहीं। हमने तो बचपन से यही सुना है कि जो क्रीम है वो कहीं ना कहीं मिल्क से डिराइव होती है, पर इसके इंग्रेडिएंट्स में मिल्क तो कहीं भी लिखा ही नहीं है। तो आप लोगों ने सही नोटिस किया, ओरियो की जो क्रीम है उसमें मिल्क कहीं से भी आता ही नहीं है। मतलब ओरियो की क्रीम दूध से बनी ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ शुगर और बैड फैट से बनी हुई है। इसीलिए FDA ने ओरियो को क्रीम वर्ड इस्तेमाल करने से मना किया है। FDA ने साफ साफ बोला है कि आप अपने बिस्किट को क्रीम बिस्किट नहीं बोल सकते क्योंकि आपके क्रीम के इंग्रेडिएंट में मिल्क नहीं है। अब इस चीज़ को स्मार्टली प्ले करने के लिए ओरियो वाले ने क्या किया, ओरियो वाले ने क्रीम मेंशन नहीं किया, क्रेम मेंशन किया, CREME, क्रीम की जगह क्रेम मेंशन किया और आप सब लोगों को एक वो क्रीम वाली फिलॉसफी दी, क्रीम वाली मेंटालिटी दी। कैसे स्मार्टली प्ले किया ओरियो ने, ये सब आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा। अब हम एक चीज़ के ऊपर ना और बात करेंगे। देखिए एक बहुत ही छोटी स्टडी हुई थी, जी हाँ, ओरियो के ऊपर भी स्टडी हुई थी जिसमें रिसर्चर्स ने ना रैट्स को, चूहों को ओरियो दिया था। देखिए रिसर्चर्स ने भले ये चीज़ चूहों पर कंडक्ट की थी, रैट्स पर कंडक्ट की थी, बट उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ ह्यूमन पे भी एप्लीकेबल होती है। तो जब उन्होंने चूहों को ओरियो दिया, रैट्स को ओरियो दिया, तो उन्होंने ये देखा कि जो ओरियो है वो उतना ही एडिक्टिव है जितना कोकेन होता है, क्योंकि रैट्स को कोकेन और ओरियो दोनों दिया गया था, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि रिसर्चर्स ने नोटिस किया कि हमारे ब्रेन में जो न्यूक्लियस एकम्बेंस होते हैं जो ट्रिगर करते हैं प्लेजर एक्टिविटी और खाने के लिए, और उत्सुकता बढ़ाते हैं और खाने के लिए, प्लेजर को ट्रिगर करते हैं, वो न्यूक्लियस एकम्बेंस जो है रैट्स में, ठीक है, ह्यूमन से भी होते हैं, रैट्स में कोकेन से ज़्यादा तब एक्टिवेट हुआ जब उन्होंने ओरियो कंज्यूम किया था। इससे आप लोग ये सोच सकते हैं कि ये जो मैजिकल कॉम्बिनेशन है ना शुगर का और बैड फैट का, ये कितना एडिक्टिव है, कितना ज़्यादा प्लेजर ट्रिगर करता है आपके ब्रेन में और कितना ज़्यादा यू नो आपको एडिक्ट करता है कि आप ओरियो और खाए और खाए। और इसीलिए बच्चे जो है अपने आप को इस चीज़ से रोक नहीं पाते, वो क्रीम उन्हें जितनी मिल जाए उतनी चाटते रहते हैं। तो गाइस ये एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट था, रिसर्च के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके पढ़ सकते हैं। मैंने आप लोगों को भी बताना इसलिए सही समझा क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग चीट मील में ओरियो कंज्यूम करते हैं या फिर ओरियो शेक पीते हैं, कहीं ना कहीं जाके बहुत जगह मिलता है, ओरियो शेक इज़ ऑल्सो वेरी फेमस, वेरी पॉपुलर। तो हमेशा इसे ध्यान रखें कि जो ओरियो की कुकी की क्रीम है वो बनी है हाईली प्रोसेस्ड शुगर से और बैड फैट से। एक और चीज़ मैं स्किप कर गया वीडियो में आप लोगों को बताना, देखिए जब ओरियो स्टार्ट हुआ था, जब ओरियो सबसे पहली बार आया था तो वो ना ही वेजिटेरियन था ना ही वो वीगन था, और ऐसा इसलिए क्योंकि जो क्रीम के अंदर बैड फैट इस्तेमाल की गई थी वो जो ओरिजिनल रेसिपी थी, सबसे पहले वाली ओरियो की रेसिपी थी, वो बैड फैट पिग से एक्सट्रैक्ट किया था, मतलब
पिग लार्ड इस्तेमाल किया गया था, पिग से एक्सट्रैक्ट किया हुआ फैट, पिग से एक्सट्रैक्ट किया हुआ ऑयल पहले ओरियो की क्रीम में मिलाया जाता था। फिर 1997 में यह डिसीजन लिया गया कि हमें अपना जो है बिस्किट वेजिटेरियन बनाना है, वीगन बनाना है, इसलिए उन्होंने पिग लार्ड को अवॉइड किया और उस पिग लार्ड को अपने क्रीम रेसिपी में रिप्लेस कर दिया वेजिटेबल ऑयल से, बैड वेजिटेबल ऑयल से। तो ये कुछ फैक्ट्स थे ओरियो के बारे में जो मुझे लगा मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। और मैं सारी मदर्स को रिकमेंड करना चाहता हूँ कि बिस्किट्स भी अगर आप खिला रहे हैं तो ये देख के खिलाएं कि, वैसे तो बिस्किट्स हेल्दी नहीं होते, पर ये देख के खिलाएं कि थोड़े बहुत हेल्दी ऑप्शन क्या है। और अगर आप ओरियो दे रहे हैं तो आपके माइंड में, आपके माइंडसेट को ये पता होना चाहिए कि आप एक्चुअल में अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। प्लीज़ अपने फ्रेंड से शेयर करिए, अगर आपके फैमिली में कोई अपने बच्चे को ओरियो खिलाता है तो उनसे भी शेयर करें, उन्हें ये सब फैक्ट पता होना चाहिए। उसके बाद वो खिलाएं या ना खिलाएं ये उनकी मर्ज़ी है, पर ये वीडियो को आप शेयर करिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। जय हिंद।